जय श्री कृष्णा। गोसाई जी से छाक मंगवाई। एक दिन श्रीनाथ जी ने गोपाल दास को आज्ञा दी, हम अप्सरा कुंड पर हैं, तुम श्री गोसाई जी से जाकर कहो कि वे शीघ्र ही दही बात की छाक लेकर अप्सरा कुंड आवे। हम श्याम ढाक के नीचे विराजमान हैं, हमें भूख लगी है। गोपाल दास ने जाकर श्री गोसाई जी से यह बात कही। श्रीनाथ जी की आज्ञा सुनकर श्री गोसाई जी ने तत्काल अपरस में छाक सिद्ध की और श्याम ढाक पधारे। वहाँ श्रीनाथ जी ने श्री बलदेव जी और सखा मंडली के साथ दही बात की छाक आरोगी। प्रभु श्रीनाथ जी की इस लीला का अनुभव करके श्री गोसाई जी को बहुत आनंद हुआ। श्रीनाथ जी मथुरा पधारे। एक बार श्री गोसाई जी गुजरात पधारे हुए थे, तब श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी के बड़े पुत्र गिरधर जी को आज्ञा की, मैं तुम्हारे घर देखने के लिए मथुरा चलूँगा। तब गिरधर जी ने श्रीनाथ जी की इच्छा के अनुसार रथ में बैल जोत कर दंडवती शिला के पास रथ लाकर खड़ा कर दिया था, तथा गिरिराज पर जाकर श्रीनाथ जी को अपने कंधे पर चढ़ाकर दंडवती शिला के पास खड़े रथ में विराजमान किया। फिर स्वयं रथ हाँक कर श्रीनाथ जी को मथुरा अपने घर पधारा। वहाँ सतघरा में संवत 1623 फागुन सुदी सप्तमी को मथुरा में गोसाई जी के परिवार में श्रीनाथ जी को पाठ बैठाया गया। यह दिन श्री गोसाई जी के सातों घरों में पाठोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।